आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जनपद श्रावस्ती के थाना क्षेत्र मल्हीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बरगदह जहरीली सांप टसने से एक युवक की मौत हुई। जनपद श्रावस्ती पूरा मामला थाना क्षेत्र मल्हीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बरगदह मोहल्ला टेपरी का है, जहां पर बाबू गौतम आयु 18 वर्ष पुत्र शंभु गौतम निवासी टेपरी बरगदह अपने छत के ऊपर भाई के साथ सो रहा था। तभी देर रात तकरीबन 11 बजे जहरीली जंतु सांप ब्लैक कोबरा दीवार के सहारे छत पर आकर बाबू गौतम के गले बांध व पेट में डस लेता है और उसकी जिसके कारण वह विगत बाबू गौतम जोर जोर से रोने लगता है तथा रोने की आवाज पाकर उसके परिजनों पास जाकर देखते हैं तो जहरीले जंतु सांप ब्लैक कोबरा बाबू गौतम पुत्र शंभु को डस लिया और सांप को मछली फंसाने वाले जाल से फंसा कर मारा तथा उसे आन फान में निजी प्राइवेट वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्लीपुर ले जाया गया। वहीं पर बाबू गौतम के उपचार की गई, परंतु पेशेंट ज़्यादा गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल भिनका एम्बुलेंस के सहारे रेफर कर दिया गया तथा उसके रास्ते में मृत हो जाती है, परंतु युवक के डेड बॉडी वापस लेने के लिए एम्बुलेंस कर्मी 108 मल्हीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनपद श्रावस्ती ने 1000 रुपये की मांग की और लेते, जिसके समय 3 बजे रात परिजन शंभु गौतम ने बताया कि तथा जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के सरकार ने पूरे जोरों शोरों से ग्रामीणों को एम्बुलेंस सेवा फ्री में प्रदान करते है, वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस कर्मी रिश्वतखोरी में उतारू हो गए हैं तथा सूचना पाकर मौके पर लेखपाल बरगदह पहुंचे तथा युवक को सांप के डसने से पुष्टि की तथा पुलिस को सूचना अनुसार तथा सामाजिक परंपराओं के अनुसार युवक बाबू गौतम पुत्र शंभु गौतम निवासी टिपरी बरगदह की अंतिम संस्कार कर दिया गया। रिपोर्ट श्रावस्ती भुजो अहमद। आपका नाम क्या है? शंभु। शंभु, आपके जो ये लड़का का जो मृत्यु हुई है, बाबू, बाबू, ये किस कारण से हुआ, कैसे हुआ? सांप डसने से। अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल में ले गए तो किस साधन से ले गए थे? इलाज कराने के लिए। अपने निजी साधन से ले गए? अपने निजी साधन। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में ले गए तो हॉस्पिटल में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हीपुर है वहाँ पर आपके बेटे का जो इलाज किया गया या नहीं किया गया? अरे केहन ग्लूकोज लेकर चढ़ाएं, एक लीटर सुई लगाएं, फिर उसके बाद में कहें, फिर उसके बाद में कहें के छः सुई लगाएंगे, छः सुई लगाएंगे और उसके बाद में हम इनके भिंगा ले जा, तब इन एम्बुलेंस में भिंगा के गौर का तो वहाँ पहुँचे पहुँचे इंतकाल रही हो। कहाँ पे इंतकाल हुआ है? कहाँ पे इंतकाल हुआ है? अब रास्ता में चला था एम्बुलेंस में। अच्छा, आपको वहाँ से लाने के लिए एम्बुलेंस की सहायता दिया गया है? एम्बुलेंस सहायता, लेकिन पैसा आप ये बताइए, जब एम्बुलेंस वाला उधर से लेके आया है तो आपसे कुछ लिया है या नहीं लिया? कितना लिया? 1000। 1000 रुपये। एम्बुलेंस के नंबर मालूम है? नहीं मालूम। कितने बजे लाए थे आप? ढाई बजे रात में।